हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज शिवरात्रि है, इसलिए हम सोचे कि टेंपल जाने का। तो हम श्रीशैलम जा रहे हैं मैम, श्रीशैलम जा रहे हैं। तो जाने में मैक्सिमम 4 आवर्स ऐसे लगेंगे। तो ऐसे सोच रहे हैं कि जाकर फिर लौट के आने का प्लान है। हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ और मैम जा रहे हैं विथ फुल प्रिकॉशन, मास्क और सैनिटाइजर लेके, क्योंकि भीड़ बहुत होने वाला है। तो मैं दिखाऊँगी कैसे क्या वहाँ का क्या सीन है, और टेंपल भी दिखाने की कोशिश करूँगी। हमें बस मिल गई, अभी अराउंड 8 o'clock सुबह के हो रहे हैं और बस बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रहा है, क्योंकि आज श्रीशैलम में शिव जी का टेंपल है, इसकी वजह से ज़्यादा भीड़ है लोगों का। अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए उतरे, बहुत दूर है तो हमें ब्रेकफास्ट करके जाना होगा, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे जाके कितना देर होगा, इसलिए ब्रेकफास्ट मिलेगा कि नहीं, इसलिए हम बीच में ब्रेकफास्ट करने के लिए उतरे हैं। हमारा ब्रेकफास्ट तो आ गया, हमने डोसा ऑर्डर किया था, लेकिन बुरा ये लग रहा है कि हमें खाकर जाना पड़ रहा है दर्शन से पहले, क्योंकि हमें पता नहीं कितना देर लगेगा और क्या होगा वहाँ जाके। ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें खाकर निकलना होगा। तो खा लेते हैं, खाने के बाद फिर मिलूँगी। हम फाइनली श्रीशैलम शिव जी का मंदिर है ना, पहुंच गए हैं। फिर अभी कितना दूर लगेगा पता नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ है शिवरात्रि के वजह से, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अभी हम सांस ले रहे हैं, पूरा इनका हालत ख़राब हो गया, नहीं बताऊंगी वो। तो अभी जा रहे मैम के डैडी से मिलने, फिर डैडी हमें दिखाएंगे अंदर ले जाने का, एक पूजा करने का जगह दिखाएंगे एटलीस्ट, नहीं तो हमें मौका नहीं मिलेगा। वो भी दिखाते जाऊँ, कोशिश करूँगी दिखाने का, इतना पता नहीं क्या कर पाऊँ, दिखा पाऊँगी कि नहीं, तो देखते रहिएगा। वो ऊपर से हट गया है। यहाँ पे जो है हट्स बना के लोग शिवरात्रि के लिए बहुत दिनों से आके रुके हैं ना मैम, बहुत दिनों से अलग अलग जगह से। ये शिव जी का मेन कैंपस नहीं है, हमने सोचा कि अगर हम आए ही है तो सारे मंदिरों में घूम कर चले, तो हम पहले जो है छोटे छोटे मंदिरों में घूम ले रहे हैं, फिर हम मेन कैंपस चलेंगे। तो ये जो रहा, हम पैसे को ऐसे कॉइन को जो है खड़े करके रखने का कोशिश कर रहे हैं, हमें फुल कंसंट्रेशन के साथ रखना होगा और हमें विशेस करनी होगी। कहा जाता है कि अगर हम जो भी विश करेंगे वो सारी विशेस पूरी होगी, तो देखते हैं हमारा हो पाता है कि नहीं। क्या है कॉइन, नहीं तो 1 रुपये का है, ये तो 5 रुपये का है। लोग कोशिश कर रहे हो गई, ए कांग्रेस।
तो यहाँ पे हमारा दर्शन हो गया है। अब हम जा रहे हैं मेन शिवाजी के टेम्पल, जो श्रीशैलम के टेम्पल के नाम से विख्यात है और इसे हम मल्लिकार्जुना मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो हम वहाँ निकल रहे हैं, शायद हमें ऑटो से जाना पड़ेगा, बहुत दूर है शायद, तो वही देखते हैं ऑटो मिलता है कि नहीं है। और यहाँ पे जो है टेम्पल्स में बिल्कुल वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो थोड़ा बहुत जैसे तैसे कैप्चर की, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं चाहती थी पूरा दिखाऊँ, पूरा शेयर करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो देखती हूँ आगे मंदिर में क्या होता है, फिर जितना हो पाएगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो हमें ऑटो तो मिल गई है, लेकिन हमें सीट नहीं मिल पाई, क्योंकि आज जो है शिवरात्रि है, जिसकी वजह से बहुत भीड़ है लोगों का। तो ये भी मिली हमें पीछे बैठने का मौका, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये अब लगेगी शायद आधे एक घंटे इसमें जाने में, फिर आपको वहाँ जाके पहुँच के दिखाऊँगी। हम पहुँच गए, जो पीछे दिख रहा है वही है शिव जी का टेम्पल। अब देखेंगे दर्शन में कितना भीड़ होता है, आने में कितना टाइम लगा, आधा घंटा लग गया वहाँ से मेन कैंपस आने में। अभी 3 घंटे लगेंगे अभी यहाँ से जाने में 2-3 घंटे लगेंगे। तो लेकर चलती हूँ आप लोगों को भी, अब से लेकर ही आ रही हूँ तब से मैं रहा लोगों का भीड़ शिवरात्रि स्पेशल वहाँ पर। डेंजरस भी था। अरे रे, अरे रे। ये मुझे सबसे ज्यादा अद्भुत लग रहा है लोगों का भीड़। हमने जो है टिकट ले लिया, एंट्री टिकट, और फिर भी देख रहे हैं कि इतना भीड़ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि दर्शन करने में 3-4 घंटे लग जाएंगे मैक्सिमम, फिर भी हम आए हैं तो करके ही जाएंगे। यहाँ वेट करते करते टायर्ड हो गए हैं हम, लास्ट है, हम लास्ट है, हम लोग लास्ट है, सबसे लास्ट कब दर्शनों का पता नहीं, 3 घंटा लग सकता है, इतना लाइन दिख रहा होगा इधर भी, इधर लाइन है, बहुत लाइन है, पता नहीं दर्शन कब होगा, होप फॉर द बेस्ट। 3 घंटा मेहनत करके हम पहले फाइनली दर्शन हो गया हमारा। कहते हैं कि घर मिलना मुश्किल नहीं, वही वहाँ मेरे साथ बहुत भीड़ था, इतना धक्का धक्का, हमें धक्का मार मार के भगवान के पास पहुँचा दिया फाइनली हो गया। अब भगवान को नहीं दिखा पाई क्योंकि अलाउ नहीं था। तो शिवरात्रि की वजह से लोगों का इतना भीड़, जिसके वजह से दर्शन ठीक से नहीं हो पाया, एकदम से धक्का धक्की लग के दर्शन हुई, और वीडियो भी लेना बिल्कुल अलाउ नहीं था। मतलब यही मेरा सैड पार्ट था कि वीडियो लेती तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा पाती, तो वीडियो नहीं ले पा रही थी क्योंकि अलाउ नहीं था, तो बाहर थोड़ा बहुत ले पा रही थी। तो ये सब छोटे छोटे मेला लगे थे, चंदन का वगैरह वगैरह बहुत कुछ थे। मैंने आंवला लिया क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे और कुछ खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा था। तो ये आंवला आप लोगों में से कितने लोग खाए हैं ज़रूर बताइएगा। इसे हम आसामी में पोमलाखी बोलते हैं।
मंदिर का एंट्री यहीं से थी बट हमें दूसरी ओर से करनी पड़ी क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम जा ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल, तो हमें दूसरी ओर से जाना पड़ा। और इस मंदिर को जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में जाना जाता है। यहाँ भगवान पार्वती को मल्लिका के रूप में पूजा जाता है, भगवान शिव जी को अर्जुन के रूप में पूजा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है मल्लिका अर्जुना मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो मंदिर का मुख्य द्वार यही है, यहीं से हमें एंट्री करना था बट दूसरी ओर से करना पड़ा। यही है श्रीशैलम के मुख्य मंदिर, और तो इसका थोड़ा सा झलक ही मैं आपके सामने शेयर कर पाई, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा।